हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू सिविल्स आईएएस एकेडमी। दिस इज हर्षित ओमर, सीनियर फैकल्टी एट आईक्यू सिविल्स आईएएस एकेडमी। सो टुडे इन दिस सेशन आई विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023-24 एंड द टॉपिक इज इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड नॉर्थ ईस्ट इंडियन अपॉर्चुनिटीज एंड इम्पेडिमेंट्स। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, दैट इज जीएस पेपर टू इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। तो आज हम इस सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ नेबरहुड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। नेबरहुड का इतना ज्यादा रेलेवेंस क्यों होता है फॉरेन पॉलिसी में, पहले तो हम इस बैकग्राउंड को समझेंगे, देन हम करंट एस्पेक्ट देखेंगे इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी के, देन वी विल ऑल्सो सी इंडियाज पास्ट नेबरहुड पॉलिसी। समझ में आ रहा है? अब अभी क्या था कि 2014 से जब मोदी गवर्नमेंट आई, देन दे हैव स्टार्टेड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नाउ टुडे इंडिया इज फॉलोइंग एनर्जेटिक डिप्लोमेसी, दैट इज व्हाई द टर्म नेबरहुड फर्स्ट शिफ्टेड टुवर्ड्स नेबरहुड फास्ट पॉलिसी। क्लियर? तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बहुत सारे सेशंस में बोला हुआ है कि एडमिशंस जो हैं अगस्त बैच के चल रहे हैं, तो जल्द से जल्द रजिस्टर करा ले सकते हैं आप सभी लोग अपने आप को और फायदा उठा सकते हैं सीनियर फैकल्टी के गाइडेंस का। क्लियर? नाउ तो सबसे पहले हम आज जो बात करेंगे, दैट इज जो आपका सिलेबस है, दैट इज इन जीएस पेपर टू। GS paper 2, under this there is one topic, that is international relations. International relations. Now in this international relation, the most important topic जहां से हर साल एक या दो questions आते ही आते हैं, that is India and its neighborhood. India and its neighbor. Clear? तो अब neighborhood relations किस basis पर depend करते हैं, क्या क्या policies हैं? We'll try to understand each and everything. So basically, जब भी हम neighborhood की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में एक region आता है, that is South Asia. Clear? Now, as we all know that human beings cannot live in isolation. Human beings always to try to interact with each other. इसीलिए तो हम बोलते हैं that man is a social animal. Man is a social animal. And man cannot live in isolation. So the concept of state, अब जो concept है nation state का, which starts from 1648, that is Treaty of Westphalia. यहां से एक concept शुरू हुआ nation state का, यहां से एक concept आया nation state system. Clear? तो 1648 से न्यू नेशंस बनना शुरू हुए, ब्रिटेन बना, फ्रांस। क्लियर? देन जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते तो उसमें आप पढ़ते यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, तो जर्मनी एंड इटली एज ए न्यू नेशन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज बॉर्न एज ए नेशन इन 1787। क्लियर? तो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया? ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। नेशन क्या है? नेशन जिसकी एक डिफाइंड बाउंड्री होगी, उसके डिफाइंड पीपल्स होंगे, टेरिटरी होगी, गवर्नमेंट होगी, स्टेट। क्लियर? तो ये नेशन की डेफिनेशन होती है। सो इंडिया वॉज बॉर्न एज ए नेशन इन 1947। इफ यू रीड मॉडर्न इंडिया, देन
यू विल गेट टू नो दैट हाउ इंडिया गॉट फॉर्म्ड इनटू अ नेशन. बिफोर 1947 इंडिया वाज नॉट एज अ नेशन, इंडिया वाज जस्ट अ ज्योग्राफिकल एंटिटी. समझ में आ रहा है? तो इंडिया फॉर्म हुआ एज ए नेशन ऑन 15th of August 1947. तो अब जब ह्यूमन बीइंग्स आइसोलेशन में नहीं रह सकते, इसीलिए नेशंस भी आइसोलेशन में नहीं रह सकते. नेशंस भी क्या करेंगे? अपनी आइडेंटिटीज, अपने रिलेशंस को स्टैब्लिश करेंगे दूसरे रिलेशन से. सो फॉरेन पॉलिसी जो होती है, फॉरेन पॉलिसी टॉक्स अबाउट किस चीज के बारे में बात करती है? याद रखिएगा, फॉरेन पॉलिसी टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस विद अदर नेशंस और स्टेट्स. क्लियर? अब इस फॉरेन पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है? तो फॉरेन पॉलिसी वॉज इंप्लीमेंटेड बाय द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी. फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या है? आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी. डिप्लोमेसी मींस नेगोशिएशन. अब जैसे डोमेस्टिक पॉलिसीज को कौन इंप्लीमेंट करवाता है? आईएएस ऑफिसर्स. समझ में आ रहा है? इसी तरीके से फॉरेन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कौन कराते हैं? जो हमारे फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं. क्लियर? तो जो आपका टॉपिक है इंडियाज एंड इट्स नेबरहुड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? नाउ व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ नेबरहुड? रेलेवेंस of neighborhood in foreign policy. अब neighborhood का relevance क्या है ये याद रखिए. Clear? अब अगर हम relevance की बात करते हैं तो foreign policy हमेशा शुरू होगी neighbor से. बिना नेबर्स के फॉरेन पॉलिसी शुरू नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है, आप रिश्ते किसके साथ सबसे पहले बनाते हो? अपने पड़ोसियों के साथ, क्योंकि वही आपके काम आएंगे. इसी तरीके से नेशंस में भी होता है, सबसे पहले आप रिलेशंस किसके साथ स्टैब्लिश करोगे? अपने नेबर्स के साथ. क्लियर? बट अब ये ऐसा क्यों होता है, फॉरेन पॉलिसी नेबर से ही क्यों? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री. अब वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों? वर्ल्ड हिस्ट्री बैकग्राउंड है आईआर का, बैकग्राउंड ऑफ आईआर. समझ में आ रहा है? सो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज टॉट अस वेरियस लेसन, जिसमें से वर्ल्ड हिस्ट्री ने हमें एक और लेसन सिखाया है, रोल ऑफ नेबरहुड. समझ में आ रहा है? वो कंट्रीज जिनके हमेशा से अपने नेबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, वो कंट्रीज कभी भी डेवलप नहीं हो पाती. समझ में आ रहा है? दोस कंट्रीज विच हैड ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट विद देयर नेबर्स, दे वर अनेबल टू बिकम अ सुपर पावर. ये डेफिनेशन याद रखिएगा आप लोग. समझ में आ रहा है? सो इसीलिए अगर हम यूरोप की बात करें, वर्ल्ड वॉर ने हमें क्या सिखाया? वर्ल्ड वॉर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर्ल्ड वॉर. सो दिस वर्ल्ड वॉर हैज टॉट अस दैट. समझ में आ रहा है? बिकॉज दिस वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड वेयर? इन यूरोप, बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज ओनली. क्लियर? सो इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए वॉज 1,000 miles अवे फ्रॉम यूरोप, वेयर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज एट पीक. क्लियर? तो जिस टाइम पे यूरोपियंस वॉर लड़ रहे थे, यूएस अपने आप को डेवलप कर रहा था. अब वॉर हुआ क्यों यूरोप में? नाउ फर्स्ट हो या सेकेंड हो, कोई भी वॉर हो, व्हाई? मेन रीजन क्या है? अगर हम यूरोप की बात करें वर्ल्ड वॉर, तो यूरोप में वर्ल्ड वॉर उनके नेबरिंग कंट्रीज के बीच में ही तो था, ब्रिटेन,
फ्रांस, जर्मनी, ये सारे नेशंस आपस में लड़ रहे थे और ये सब नेबरिंग है, क्लियर? तो वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों? तो अब वर्ल्ड वॉर को नेबरहुड के टर्म्स में समझो पहले, इन टर्म्स ऑफ नेबरहुड इन यूरोप एट दैट टाइम नो कॉपरेशन अमंग नेबर्स, नो कॉपरेशन, समझ में आ रहा है? कॉन्फ्लिक्ट वॉज देयर, स्मॉल वॉर्स कन्वर्टेड इंटू वर्ल्ड वॉर्स, वॉर्स वर देयर, देन अनस्टेबिलिटी इन पॉलिटी, अनस्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वॉज देयर, क्लियर? मोनार्की वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ट्रीटीज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड देन नॉन फ्रेंडली रिलेशंस विद नेबर्स, नॉन फ्रेंडली, नॉन फ्रेंडली रिलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंट्री को डेवलप करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? रिसोर्सेज। वही रिसोर्सेज जो हम डिफेंस पे लगाते हैं वो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी लगा सकते हैं। तो याद रखिए, जब वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट ये सारी चीजें होंगी, इससे क्या होगा? सफरिंग होगी कंट्रीज में, सफरिंग ऑफ कंट्रीज, एंड दिस सफरिंग ऑफ कंट्रीज। अब सफरिंग के लिए क्या, हम अपनी रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं, कहां पर? डिफेंस में, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखिए यूरोप पूरी तरीके से क्या हो गया था, याद रखिएगा, पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई थी यूरोप की, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था यूरोप, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। एंड वी कैन यूज दीज रिसोर्सेज, वी कैन यूज दीज रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, समझ में आ रहा है? तो हम इन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं किस लिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा, क्लियर? तो आज अगर हम इंडिया की एस्पिरेशन देखें, फॉर एग्जाम्पल, आज इंडिया की एस्पिरेशन क्या है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इंडियाज एस्पिरेशन टुडे टू बिकम सुपर पावर, सुपर पावर, विश्व गुरु जिसको कहा जाता है, समझ में आ रहा है? और अभी करेंटली अगर हम देखें सुपर पावर कौन है, तो सुपर पावर आज भी अभी हम अमेरिका को ही मानते हैं, समझ में आ रहा है? डोमिनेंस किसका है ज्यादातर? हेजिमोनी, हेजिमोनी, हेजिमोनी का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस। और ये किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो इफ इंडिया वॉन्ट्स टू बी एन हेजिमोनी, इंडिया नीड्स टू सॉल्व इट्स नेबरहुड रिलेशन, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट फ्रॉम नेबरहुड। आज अगर आप यूएस को देखें, यूएस की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, यूएस का जो नेबरहुड है, कैनेडा हो गया, सेंट्रल अमेरिका हो गया, इश्यूज हैं बट कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, समझ में आ रहा है? पीसफुल नेबरहुड रिलेशन है, समझ में आ रहा है? ये याद रखिए। सो हाउ कैन वी क्लेम दैट वी आर वर्ल्ड पावर इफ अवर अगर हमारा जो है, इफ अवर इमीडिएट नेबरहुड लाइक मालदीव, लाइक भूटान, लाइक श्रीलंका इज नॉट लिसनिंग टू अस, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम सुपर पावर हैं? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए याद रखिए, सबसे पहले जरूरी चीज क्या है? सबसे पहली चीज है हमें मेंटेन करना हमारे नेबरहुड को, हमारे नेबरहुड रिलेशंस को संभालना सबसे जरूरी चीज, समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं कोट करना चाहूंगा यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी को, अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने बहुत ही एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था, दैट यू कैन चेंज योर एनिमी बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर।
यू हैव टू लिव टूगेदर, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब भी नेबरहुड का क्वेश्चन आए यूपीएससी में, ये ऐसे स्टेटमेंट्स को कोट करिए। इन्होंने क्या कहा, यू कैन चेंज योर एनिमी बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर। समझ में आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू लिव टूगेदर। यू हैव टू लिव टूगेदर। नाउ व्हाई वी हैव टू लिव टूगेदर, यहीं पे चीजें, अब जितना तुम जीएस पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ा तुमने, हिस्ट्री पढ़ा तुमने, पॉलिटी पढ़ा, इकोनॉमी पढ़ा, सारी चीजों को कनेक्ट करना सीखिए। Why we have to live together? Because of geography compulsion. Because of geography compulsion. आप geography नहीं बदल सकते, ये याद रखिएगा। Clear? तो ये बहुत ही important statement था। तो अगर India के केस में देखोगे, if you see India, if you try to understand India, so our western neighbor एंड ईस्टर्न नेबर, ईस्टर्न नेबर, वेस्टर्न नेबर कौन है, पाकिस्तान, ईस्टर्न नेबर चाइना। तो इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट दोनों तरफ से ही है, इंडिया इज फेसिंग कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशन फ्रॉम बोथ द साइड, क्लियर। ऑन द अदर एंड बांग्लादेश, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कौन सी प्रॉब्लम है, रेफ्यूजी, रेफ्यूजी प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है। सो इंडिया के जितने भी बॉर्डर्स हैं, इफ यू सी, इफ यू एनालाइज इंडियन बॉर्डर्स, ऑल अवर बॉर्डर्स आर एट डिस्प्यूट्स। पाकिस्तान के साथ भी डिस्प्यूट है, चाइना के साथ भी डिस्प्यूट है। समझ में आ रहा है। तो इंडिया की जो रिसोर्सेज है वो कहां पर वेस्ट हो रही है। सो ऑल अवर बॉर्डर्स are at dispute, clear? So half of our resources is wasted on defense. तो इसीलिए हमारी resources on defense, that is on army, because our army is deployed at वेस्टर्न बॉर्डर ऑल्सो एज वेल एज ईस्टर्न बॉर्डर ऑल्सो। समझ में आ रहा है। बांग्लादेश ऑल्सो, बांग्लादेश के साथ क्या है, इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, रेफ्यूजी क्राइसिस, आर्म्स स्मगलिंग, ये सारी चीजें। और आर्मी के साथ साथ, सिर्फ आर्मी पर ही नहीं, पैरा मिलिट्री फोर्सेस पर भी इंडिया को खर्च करना पड़ता है। बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, दीज आर पैरा मिलिट्री फोर्सेस, क्लियर। तो इंडिया को सबसे ज्यादा फोकस अपनी रिसोर्सेज कहां लगानी पड़ती हैं, डिफेंस, बॉर्डर फेंसिंग, इन सभी चीजों पर। समझ में आ रहा है। और पिछले 70 सालों से हम यही कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। इफ अगर यही सेम चलता रहा तो आने वाले 200 साल भी हम डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्लियर। We cannot become hegemony if we are unable to solve our neighborhood problem. This we need to understand. समझ में आ रहा है। On the other end, if you see United States of America, US क्यों powerful है? Because US is having stable and friendly relations with its neighbor. That is why India needs to develop friendly relation or cordial relations with neighbors. समझ में आ रहा है। ये याद रखिएगा। अब इसी के साथ साथ एक चीज और समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप पीजी में रहते हैं और आपके साथ आपका रूममेट भी रहता है, और अगर रूममेट आपका आपको परेशान करता है या रूममेट के घर में कुछ गलत हो रहा है और वो डिस्टर्ब है, तो आप भी सही से पढ़ नहीं पाएंगे।
सो अनस्टेबल नेबर इज ऑल्सो बैड इन टर्म्स ऑफ नेबरहुड रिलेशंस. एक और पॉइंट याद रखिएगा, अनस्टेबल नेबर इज ऑल्सो बैड विद रेस्पेक्ट टू नेबरहुड रिलेशंस. क्लियर? तो नेबर के घर में भी अनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, अगर पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम वेरियस क्राइसिस, सो वी शुड नॉट फील सुपीरियर. हमें सुपीरियर फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ अगर पाकिस्तान में कुछ गलत होगा, वो इंटरनल अनस्टेबिलिटी इंडिया को भी अफेक्ट करेगी. समझ में आ रहा है? ये याद रखिए. तो अगर पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी होगी, पाकिस्तान में क्राइसिस होगा, तो इंडिया को फिर से बॉर्डर्स पर मजबूती लानी पड़ेगी. समझ में आ रहा है? बिकॉज आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज गोइंग टू स्पिल ओवर एंड कम टू अवर कंट्री ऑल्सो. क्लियर? ये याद रखिएगा. दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं. और ऐसे बहुत सारे केसेस भी हैं. अब आपने ये लिखा, अनस्टेबल नेबर इज ऑल्सो बैड विद रेस्पेक्ट टू नेबरहुड रिलेशन. अभी ये लाइन लिख के आपको रुक नहीं जाना है, आपको इसको एग्जाम्पल दीजिए. लाइक LTTE, ये सिविल वॉर कहां पर था? श्रीलंका में. सिविल वॉर इन श्रीलंका, इफेक्ट क्या पड़ा? इट कॉस्ट द लाइफ ऑफ अवर PM राजीव गांधी. समझ में आ रहा है? श्रीलंकन प्रॉब्लम किल्ड अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, दैट इज राजीव गांधी. क्लियर? दैट मीन्स दीज प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू स्पिल ओवर अवर टेरिटरी ऑल्सो. समझ में आ रहा है? अब ये सारी चीजें दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सेकेंड थिंग, इफ अवर नेबर इज पुअर. अब अगर हमारा नेबर पुअर है या हमारी नेबरिंग कंट्री पुअर है, तो बट देयर इज स्टेबिलिटी. और इसको हम लिख सकते हैं लाइक दिस. सो इफ अवर नेबर इज पुअर, तो ये भी इफेक्ट करेगा. क्यों? अगर हमारा नेबर पुअर होगा तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, पॉवर्टी बहुत होगी, तो इससे क्या होगा? प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन. समझ में आ रहा है? माइग्रेशन प्रॉब्लम स्टार्टेड. ये और अब इसको कैसे सब्सटेंशिएट करोगे? एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स लाइक तिब्बतन रेफ्यूजी इंडिया में जो है, तिब्बतन रेफ्यूजीज, देन बांग्लादेश रेफ्यूजीज इन इंडिया. क्लियर? इस तरीके से चीजों को समझो, तभी आंसर लिख पाएंगे आप लोग मेंस में. वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. दैट इज व्हाई वी हैव टू रिजॉल्व ऑल दिस इफ वी वांट टू बिकम अ सुपर पावर. सो सुपर पावर बनने से पहले एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? यू शुड बिकम रीजनल पावर. समझ में आ रहा है? दैट मींस वी शुड नॉट फील काइंड ऑफ सुपीरियोरिटी बाय डिफीटिंग पाकिस्तान इन वॉर, बिकॉज पाकिस्तान इज नो वेयर ऑन वर्ल्ड स्टेज. बट ज्यादातर इंडियन सुपीरियर फील करते कि पाकिस्तान को हरा दिया. समझ में आ रहा है? यह हमें याद रखना है. क्लियर? सो इफ अगर हमें राइज करना है, इफ वी वॉन्ट टू बिकम यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर, वी नीड टू सॉल्व अवर नेबरहुड प्रॉब्लम ऑल्सो. समझ में आ रहा है? बिकॉज अ बैड रूममेट विल स्पॉइल यू टू. रिमेंबर दिस थिंग. एंड सेम प्रॉब्लम विद IR ऑल्सो. अगर बैड नेबर होगा तो आपको भी स्पॉइल कर देगा. समझ में आ रहा है? ये याद रखिए. सो इफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वुड हैव बिकम स्टेबल, देन वी वॉन्ट बी हैविंग कश्मीर प्रॉब्लम. अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्टेबल हो जाएंगे,
तो कश्मीर प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इस चीज को समझने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है? देर आर वेरियस एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इंसर्जेंसी इन म्यांमार, इंसर्जेंसी इन मेघालय नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम म्यांमार, फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम अदर एरिया। सो दीज थिंग्स एफेक्ट इंडिया ऑल्सो, समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया को भी एफेक्ट करती हैं। क्लियर एवरीवन? ये याद रखिएगा। ओके, सो सिंस इंडिपेंडेंस, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया ने सबसे पहली चीज इंडिया कॉर्नरहुड पॉलिसी, इंडिया की जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो याद रखिएगा, इंडिया की थी नेबरहुड पॉलिसी। समझ में आ रहा है? सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी। इंडिया पॉलिसी और यू कैन से फॉरेन पॉलिसी, सो द फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेटेजिकली सिक्योर। स्ट्रेटेजिकली सिक्योर, सेकेंड थिंग इज पॉलिटिकली स्टेबल होना चाहिए हमारा नेबरहुड। क्लियर? थर्ड, हारमोनियस, हारमोनियस रिलेशंस, एंड देन इकोनॉमिकली कोऑपरेटिव। तो नेबरहुड हमारा कैसा होना चाहिए? पहली चीज स्ट्रेटेजिकली सिक्योर। क्लियर? स्ट्रेटेजिकली सिक्योर इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर्स, इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी, मिलिट्री एटसेट्रा। पॉलिटिकली स्टेबल होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वहां पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, मिलिट्री स्ट्रांग है। समझ में आ रहा है? पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, समझ में आ रहा है? इन सभी जगहों पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इंडिया को छोड़कर ज्यादातर नेशंस में पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है। देन थर्ड थिंग विच वी नीड टू फोकस, दैट इज हार्मोनियस रिलेशंस, एंड द लास्ट थिंग इज इकोनॉमिकली कोऑपरेटिव। टुडे इफ यू सी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इज नेसेसरी, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, बिकॉज द कॉपरेशन स्टार्ट फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स। ये कहां से शुरू होता है? ट्रेड एंड कॉमर्स, विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है? सो दीज फोर थिंग्स शुड बी देयर इन नेबरहुड। समझ में आ रहा है? दीज फोर थिंग्स विल बेनिफिट इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी, बिकॉज इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू फाइट वॉर्स विद नेबर्स, अदरवाइज वी विल ऑलवेज स्टक इन साउथ एशिया ओनली, वी विल अनेबल टू फोकस आउटसाइड द साउथ एशिया। समझ में आ रहा है? तो इंडिया को सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंडिया को सबसे जरूरी चीज है फोकस करना स्ट्रेटेजिकली सिक्योर, पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट, हार्मोनियस रिलेशन, इकोनॉमिकली कोऑपरेटिव। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसको अचीव कैसे करें? सो देर आर वेरियस पॉलिसीज विद रेस्पेक्ट टू नेबरहुड, वेरियस पॉलिसीज। लाइक गुजराल डॉक्ट्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी क्वेश्चन आए गुजराल डॉक्ट्रीन जरूर लिखिए। गुजराल डॉक्ट्रीन क्या कहती है? इंडिया इज अ लार्जर नेशन इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, सो इन टर्म्स ऑफ अवर नेबरहुड पॉलिसी, ओके, इंडियाज पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी। आईके गुजराल ने क्या कहा था? इंडियाज पॉलिसी इन नेबरहुड should be based
ऑन नॉन रेसिप्रोसिटी। समझ में आ रहा है? मतलब इफ आई एम गोइंग टू एड टू अ पुअर नेबर, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। समझ में आ रहा है? अगर हम किसी पुअर नेबर को कुछ दें तो हमें उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। एंड देन नेबरहुड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी आई, दैट इज लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 बाय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉलिसी, दैट इज लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी, समझ में आ रहा है? दैट मींस बेटर रिलेशनशिप विद अवर नेबर साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो। एंड दिस लुक ईस्ट पॉलिसी स्पेसिफिकली टूवर्ड्स आसियान रीजन, क्लियर? बट इन 2014 पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन्होंने इस पॉलिसी को क्या बना दिया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज डिफरेंट फ्रॉम लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी स्पेसिफिकली फॉर आसियान रीजन, बट एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज फॉर एशिया पैसिफिक रीजन, टूवर्ड्स एशिया पैसिफिक। दैट मीन्स अंडर दिस नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं इंडिया के, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, डेवलपमेंट होगा। दैट मीन्स थ्रू कनेक्टिविटी। सेकेंड थिंग इंडो पैसिफिक इसी का पार्ट हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू पैसिफिक आइलैंड्स। देन दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू एक्सटेंडेड नेबरहुड ऑफ फार ईस्ट। फार ईस्ट मीन्स रशिया, फार ईस्ट मीन्स कोरिया। समझ में आ रहा है? सो दैट इज वाई पीएम मोदी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन नेबरहुड। दैट इज वाई इन 2014 इलेक्शंस, इन ओथ टेकिंग सेरेमनी, पीएम मोदी इन्वाइटेड ऑल दी सार्क लीडर्स। समझ में आ रहा है? सो दैट नेबरहुड पॉलिसी, सो पीएम मोदी स्टार्टेड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। सो इंडिया हैज अनाउंस्ड नेबरहुड फर्स्ट ऑफिशियल पॉलिसी इन 2015, सो दैट वी कुड हैव कॉर्डियल रिलेशन विद ऑल अवर नेबर्स, टू हैव स्मूथ रिलेशनशिप विद नेबर्स। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड देन अगेन इन सेकेंड टर्म ऑफ इलेक्शन 2019, PM Modi has invited all BIMSTEC countries leaders. That means Southeast Asia and some members of South Asia also. As well as Central Asia. Central Asia is a part of extended neighborhood. Extended. समझ में आ रहा है? ये याद रखिए. So, PM Modi started neighborhood first policy from 2015. That is why he had invited all the SAARC leaders in 2014. Now we'll see the current aspect. So, ye tha historical background kyun India ne foreign policy ye adopt ki. Now we should try to understand why this India's Act East policy is in news. Why neighborhood policy is in news? Ye abhi recently news mein thi, because hamare Prime Minister ne abhi वियतनाम की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, बिकॉज वियतनाम इज इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बिकॉज वियतनाम हैज इनवाइटेड इंडिया टू एक्सप्लोर ऑयल फ्रॉम साउथ चाइना सी। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वियतनाम, इंडिया ने साउथ चाइना सी में ऑयल एक्सप्लोरेशन शुरुआत की। Now, what are the opportunities? अभी मैंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपको बता दिया। There are various reasons in this Act East policy. So now, what are the opportunities for Northeast India from India's Act East policy? इससे Northeast India को क्या फायदा मिलेगा? सबसे important चीज, North
नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो इंडिपेंडेंस के बाद से काफी ज्यादा आइसोलेशन में रखा गया, आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा नाम रहता है। समझ में आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इफ यू सी द लोकेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉरिडोर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज फुल ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो, नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेश वॉटर भी है, ग्रीनरी, एवरीथिंग। सो दिस रीजन, दिस नॉर्थ ईस्ट रीजन विल डायरेक्टली बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोजेक्ट विद एशियान, लाइक कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया आसियान के साथ, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने शुरू किया, लाइक ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बनारस से शुरू किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, एंड दिस विल कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट ग्रिड विद नेशनल ग्रिड प्लान। समझ में आ रहा है? और इससे हमारी और ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी होगी साउथ ईस्ट एशिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के थ्रू। समझ में आ रहा है? देन जापान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। सो आसियान रीजन एंड जापान एक्ट एज रेडी मार्केट फॉर इंडस्ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। सो 2019 में याद रखिएगा 47.8% इंडिया के एक्सपोर्ट, समझ में आ रहा है, डिलीवर किए गए थे आसियान कंट्रीज। देन 19.3% बेचे गए किसको, यूरोपियन इंपोर्टर्स को, एंड देन 18.8% वर्थ ऑफ गुड्स वर शिप टू नॉर्थ अमेरिका ऑल्सो। समझ में आ रहा है? और इन इन्वेस्टमेंट्स को कनेक्टिविटी के थ्रू और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर। अब नॉर्थ ईस्ट में भी याद रखिए दो कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट एंड हिंदुइज्म। क्लियर? सो इंडिया काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है हेरिटेज साइट्स को रीस्टोर करने में, कंजर्व करने में, इवन इन साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल छाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वियतनाम में, इंडिया काफी ज्यादा उसको कंजर्व करने में लगा हुआ है। देन ता फ्रोम टेम्पल जो कि अकोर में है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कंबोडिया की, वो भी इंपॉर्टेंट है। देन लाओस का वाट फाउ टेम्पल, आनंद टेम्पल म्यांमार का, इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इन सभी टेम्पल्स को कंजर्व करने में, रीस्टोर करने में। समझ में आ रहा है? देन इंडिया से अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया की, तो इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया में नॉर्थ ईस्ट की हमेशा से अहम भूमिका रही है कनेक्ट करने में। समझ में आ रहा है? तो हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी है ईस्टर्न रीजन की, बुद्धिस्ट आइडियाज जो है, बुद्धिस्ट वैल्यूज जो है साउथ ईस्ट एशिया में कहां से गए, नॉर्थ ईस्ट रीजन के थ्रू ही, साउथ ईस्ट एशिया, जापान एंड चाइना में। देन रीजन इज हैविंग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑल्सो। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कैसे, आज अगर हम देखें इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि जियो पोलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है, एंड नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा रीजन है जो कनेक्ट करता है इस चेंजिंग सिनेरियो से। आज इंडो पैसिफिक के लिए अंडमान सी काफी इंपॉर्टेंस है, अंडमान सी की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल सकती है नॉर्थ ईस्ट के थ्रू। समझ में आ रहा है? देन इंडिया हैज बीन एबल टू डू सर्जिकल स्ट्राइक्स इन म्यांमार ऑल्सो। इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए म्यांमार में। समझ में आ रहा है? जो म्यांमार में एंटी इंडिया ग्रुप थे, अब क्यों किए, क्योंकि म्यांमार और इंडिया के अच्छे रिलेशन थे, और ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हो किसकी वजह से सके, बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी। तो नॉर्थ ईस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये याद रखिएगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द इंपेडिमेंट्स फॉर नॉर्थ ईस्ट इन हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज। अब क्या क्या इंपेडिमेंट्स हैं? चाइना सबसे बड़ा राइवल है इस केस में। चाइना याद रखिएगा जो इंडो पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक का काम क्या है, टू काउंटर चाइनाज इनिशिएटिव। समझ में आ रहा है? सो चाइना इंडिया को एज ए राइवल स्टेट देखता है इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में। चाइना के पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। सो चाइना हमेशा किस चीज पे ध्यान देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बॉर्डर एरियाज में हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए चाइना इजिली कनेक्ट कर सकता है, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। इसीलिए इंडिया को एक्टिव स्टेप्स लेने होंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। सेकेंड थिंग, नागा पीस टॉक्स, ये भी अभी सक्सेसफुल नहीं हुए नागा पीस टॉक्स। समझ में आ रहा है? प्रोटेस्ट काफी ज्यादा चलता है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इस सिचुएशन का भी चाइना फायदा उठा सकता है। देन प्रोटेस्ट अगेंस्ट आफ्पा,
ये सारे रीजन है याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट एंड इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, समझ में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया. देन चाइना हैज गेन राउंड अमंग एथनिक चाइनीज अक्रॉस द रीजन, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पीपल काफी सारे, चाइना कहता है एथनिक चाइनीज पीपल है, क्लियर. सो इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट वेरियस एंटी इंडियन ग्रुप्स, उनके लिंकेजेस हैं बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है म्यांमार और चाइना के, क्लियर. देन वॉट आर दी सजेस्टिव मेजर्स, अब इंडिया को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इंडिया को अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, इंडिया को एक अपना रास्ता निकालना चाहिए किस तरीके से रीजन को कनेक्ट किया जाए, किस तरीके से बेटर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बूस्ट की जाए वहां पर. देन इंडिया को फोकस करना चाहिए कल्चरल टाइप पे, क्योंकि किस तरीके से बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म ने रास्ता बनाया अपना नॉर्थ ईस्ट में, एंड जो करेंट कनेक्शन है इंडियन डायस्पोरा के थ्रू वो मेंटेन करना चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए, समझ में आ रहा है. देन स्टूडेंट एक्सचेंज विद पार्टनर कंट्रीज मेनली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, इट कैन प्रमोट कोऑपरेशन एज वेल एज रेमिटेंसेज ऑल्सो इन नॉर्थ ईस्ट रीजन. सो हाउ विल यू राइट कंक्लूजन, तो आप इस केस में लिख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन विद इट्स एथनिक कल्चरल एंड बॉर्डर कनेक्शन, इट कैन एक्ट एज ए गेटवे टूवर्ड्स ईस्टर्न रीजन, और नॉर्थ ईस्ट के थ्रू इंडिया अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सक्सेस हासिल कर सकता है, क्लियर. अब एक और पॉलिसी है नेबरहुड फास्ट पॉलिसी, ये जो टैग है फास्ट का, अब आप में से काफी सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, बट रिसेंटली बहुत सारे न्यूज में आया कि नेबरहुड फास्ट पॉलिसी, दिस शोज द एनर्जेटिक डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया, एनर्जेटिक डिप्लोमेसी. सो इंडिया हैज ऑलरेडी स्टेपिंग अप इट्स एंगेजमेंट विद इट्स नेबर, आज इंडिया बहुत तेजी से अपने नेबर्स के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है. तो आज इंडिया की जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट से नेबरहुड फास्ट पॉलिसी पर शिफ्ट हो चुकी है, समझ में आ रहा है. और ये चीज इंडिया ने डिक्लेयर किया हुआ है साउथ एशियन इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में. नाउ अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, अभी मैंने आप सभी को बताया भी था कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ये इंडिया की इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पॉलिसी है नेबरहुड के लिए, समझ में आ रहा है. इसका फोकस है कि नेबर्स के साथ पीसफुल रिलेशंस, कोलैबोरेटिव रिलेशंस होने चाहिए, समझ में आ रहा है. साउथ एशियन नेबर्स के साथ पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वेरियस एरियाज में, लाइक इकोनॉमिकली, समझ में आ रहा है, कल्चरली, पॉलिटिकली, एवरीथिंग. सो दिस क्रिएट्स, इस पॉलिसी ने नए एवेन्यूज क्रिएट किए हुए हैं एग्जिस्टिंग रीजनल कोऑपरेशन में, लाइक सार्क हो गया, सैसेक हो गया, बीबीआईएन हो गया, बिम्स्टेक हो गया, समझ में आ रहा है. सो अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है, याद रखिएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसी है इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए, जिसका मेन फोकस है साउथ ईस्ट एशिया पर. एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसी है लुक वेस्ट पॉलिसी के लिए भी. लुक वेस्ट पॉलिसी में इंडिया फोकस करता है मिडिल ईस्ट पर. सो इंडिया के पास दो पॉलिसी है, लुक ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एंड लुक वेस्ट पॉलिसी जो आज एक्ट वेस्ट पॉलिसी हो गई है फॉर मिडिल ईस्ट रीजन. नाउ व्हाई इंडिया पुट इट्स नेबरहुड फर्स्ट, अब इंडिया क्यों सबसे ज्यादा फोकस करता है नेबरहुड फर्स्ट पे, सबसे इंपॉर्टेंट है जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि इन कंट्रीज की जियो पोलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ताकि इंडिया एक अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए इंडिया को अपने नेबर्स के साथ, इंडिया अपने एक अच्छे रिलेशन को प्रमोट कर सके अपने नेबर्स के साथ. क्योंकि अगर हम हिस्ट्री देखें तो डिस्टर्ब हिस्ट्री रही है नेबर्स के साथ. इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स क्या थे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया के टर्म्स में, इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस भी लगाए थे, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, देन कारगिल वॉर 1999 का, देन 2001 का टेररिस्ट अटैक जो पार्लियामेंट पर हुआ था, क्लियर, एंड देन 2001 का ही टेररिस्ट अटैक जो यूएस पर हुआ था. ये डिस्टर्ब हिस्ट्री जो है जिसकी वजह से इंडिया को काफी ज्यादा फोकस करना पड़ता है नेबरहुड पे. इसीलिए मैंने अभी आपको बताया गुजराल डॉक्ट्रिन काफी इंपॉर्टेंट है. गुजराल डॉक्ट्रिन, आई के गुजराल जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक डेवलपमेंटल मॉडल दिया, इंस्पिरेशनल मॉडल दिया कि इंडिया को नेबर की हेल्प करनी चाहिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, समझ में आ रहा है. इंडिया शुड टेक प्रैग्मेटिक एंड प्रोएक्टिव अप्रोच विद इट्स नेबरहुड. अब चैलेंजेस क्या क्या है इंडिया के लिए नेबरहुड पॉलिसी में, रिलेशन विद पाकिस्तान, यस,
इंडिया के अभी भी पाकिस्तान के रिलेशन स्टेबल नहीं है, ये सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी चैलेंज है। अब किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि पाकिस्तान ओपनली यूज करता है टेरर को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड दैट इज व्हाई दिस हैज फ्रैक्चर्ड द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सेकेंड थिंग इज अनस्टेबल अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अभी भी चैलेंज है, क्योंकि अभी इस टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन में तालिबान इज देयर, समझ में आ रहा है? सो तालिबान रिजीम आ गया, सो फ्रेजाइल अफगानिस्तान की पॉलिटिकल इंटरनल पॉलिसीज में ही है। सो फ्रेजाइल विद इन फेसिंग स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्सटर्नल थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो। अनदर थिंग इज जिहादिस्ट टेररिज्म इज एवरीवेयर, समझ में आ रहा है? इसीलिए इन सिचुएशन में इंडियन डिप्लोमेसी को एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि इंडियन डिप्लोमेसी इंटरनेशनल एफर्ट्स ले, ताकि अफगानिस्तान को स्टेबलाइज किया जा सके। देन चाइना इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंज इन टर्म्स ऑफ इंडियाज नेबरहुड। चाइना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्लियर? क्योंकि चाइना की प्रेजेंस इंडिया के सभी नेबरिंग कंट्रीज में है। चाइना इज गेनिंग इट्स फुटप्रिंट इन ऑल द नेबर्स ऑफ इंडिया, वेदर इट इज श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव एटसेट्रा एटसेट्रा, क्लियर? तो आप देख सकते हैं चाइना की पॉलिसी पाकिस्तान लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्वादर पोर्ट, देन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इट इज रनिंग थ्रू पीओके रीजन। देन अनदर चैलेंज एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स। अब एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स याद रखिएगा, बहुत सारे पॉपुलेशन जो हमारे नेबर्स के पॉपुलेशन है उनके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है, बिकॉज इंडियाज बिग ब्रदर एटीट्यूड, और जो ये कंट्रीज इंडिया के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, इस वजह से इंडिया बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, लाइक नेपाल 2015 जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इंडिया ने तब इंटरफेयर किया था, जिसकी वजह से इंडिया को टैग दे दिया गया था बिग ब्रदर एटीट्यूड का, समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट शुड बी द सजेस्टिव मेजर्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया एज ए लार्जेस्ट कंट्री, इंडिया को स्टैब्लिश करना चाहिए क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लिंक्स। सेकेंड थिंग डेवलपिंग मार्केट्स, इंडिया को वर्क करना चाहिए अपने नेबर के साथ, ताकि इंडिया अपने नेबरहुड की मार्केट्स को स्ट्रेंथन कर सके, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनवा सके, क्योंकि चाइना यही करता है, क्लियर? देन डायलॉग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े से बड़े मसले हल हो जाते हैं डायलॉग के थ्रू। सो इंडिया मस्ट एंश्योर इट्स नेबर फॉर कंटिन्यूअस सपोर्ट फॉर देयर डेवलपमेंट, एंड एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू स्ट्रेंथन इंडियन एक्सपोर्ट्स इन द रीजन। इंडिया को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए अपने नेबर्स के रीजन में। देन सॉफ्ट पावर, इंडिया के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है सॉफ्ट पावर एंड कॉमन कल्चर है नेबरहुड का, समझ में आ रहा है? ये इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि इंडिया अपने कल्चरल रूट्स को और ज्यादा प्रमोट करे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे अपने नेबरहुड के रीजन में, समझ में आ रहा है? नाउ इफ वी से श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका दे आर हैविंग बुद्धिज्म रिलेशन सिंस एंशियंट टाइम्स, अशोका एंड ऑल, क्लियर? तो इस तरीके से इंडिया को अपने सॉफ्ट पावर को और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए रीजन में। सो व्हाट वुड बी द कंक्लूजन? कंक्लूजन आप कैसे लिखेंगे? इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन द रीजन इट शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्पेक्ट, डायलॉग, नॉन रेसिप्रोसिटी, कोऑपरेशन, पीस, कॉर्डियल रिलेशंस, प्रॉस्पेरिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। सो जो ट्रस्ट डेफिसिट बना हुआ है बॉर्डर्स पर, इसको खत्म करना चाहिए इंडिया के विजन, इंडिया को उसके लिए एक अच्छी पॉलिसी लानी पड़ेगी, समझ में आ रहा है? ट्रस्ट डेफिसिट को किसमें कन्वर्ट करना चाहिए? ट्रस्ट सरप्लस में। सो द नीड ऑफ द आवर इज टू स्पीड अप कनेक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग टाइज एंड फॉर रिजॉल्विंग इश्यूज विद द नेबर्स, क्लियर? सो ये था, याद रखिएगा, ये था आपका इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज किस तरीके से एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक्टिव हो गई है नॉर्थ ईस्ट के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया एंड एशिया पैसिफिक रीजन में। सेकंड थिंग, हाउ इंडिया शिफ्टेड इट्स नेबरहुड फर्स्ट टू नेबरहुड फास्ट पॉलिसी, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है फॉर योर यूपीएससी 2023 एंड 2024 एग्जामिनेशन। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को और लाइक करिए। थैंक यू।